गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, राम राम, केम छो, आदाब से शेयर काल वनकम, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30 और एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मेरे को कहाँ जाना है। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी कि हम लोग गिफ्ट अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन हम लोग इस ब्लॉग में 100% पहली बार हुआ है कि मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग नहीं कर रही हूं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब पता नहीं हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, कहीं भागम भाग हमारी इतनी हो चुकी है और यहाँ पे गिफ्ट सारे रखे हुए हैं, गोल्ड वाली गिफ्ट, ज्वेलरीज वगैरह जो हैं वो अलग रखे हुए हैं, सब आपको दिखाएंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस ब्लॉग के अंदर 100% आपको कुछ गिफ्ट ज़रूर दिखाया जाए, क्योंकि सारे गिफ्ट तो हम लोग एक में कवर नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर हम लोग कुछ गिफ्ट दिखाएंगे। फिलहाल अभी मनीषा को लेकर चलते हैं कॉलेज और आप लोग भी बन रही है, और अभी तो बिल्कुल सोते उठते मेरे को निकलना पड़ रहा है। कल रात को काफ़ी लेट हो गया था, आते आते 10-11 बज गए थे, और उसके बाद से फिर खाना वाना खाते, खाना आने के बाद मनीषा और निशा दोनों बना रही थी। निशा चलो फिर सब लोग मतलब खाना पीना खा करके हम लोग अब सोए, निशा की अभी उठ चुकी है, चलते हैं फिलहाल कॉलेज, कॉलेज से अब उसको छोड़ के फिर आता हूँ। सुबह सुबह उठते उठते लेट हो जा रहा है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई सब याद रखती रहो तो। चलिए गाइस निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया आज भी फिर से, पता नहीं मतलब जितना सुबह उठो ना उतना ही लेट हो जा रहा है। क्या मंशा, तुम क्यों लेट की आज? हम लंच बना रहे थे अपना, लंच एक्चुअली इसको ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच का भी टेंशन होता है, क्योंकि अब सीधे ये 4 बजे आएगी, 8:30 बजे निकली आज, अब 4:20 पे घर पे आएगी। वेल एवरीवन, तो आज के ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हो? तो अगर हाँ तो आज आप सबको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी ऐप, भारी भरकम ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको अपने गूगल के क्रोम या गूगल में आपको जाना है और एड्रेस बार में आपको www.skillclash.com पे क्लिक करना है, और जैसे आप उस पेज को ओपन करेंगे आप वहां पर साइन अप कर सकते हैं। याद रखें साइन अप के दौरान आप वहां पर नोटिफिकेशंस को ऑन रख लेंगे, जिसके वजह से कोई भी ऑफर्स आता है किसी भी टूर्नामेंट्स के तो आपको सबसे पहले वहां पर पता चल जाता है। यहां पर आप कैरम, लूडो, रमी, फ्रूट चॉप जैसे गेम खेल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पैसे को कैसे विड्रॉल करें, तो पैसे को विड्रॉल करना बिल्कुल इजी है, आप इसको यूपीआई ट्रांसफर या फिर अमेजोन पे या तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं अपने चाहते लोगों का। और सबसे यूनिक बात ये है कि यहाँ पे हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं, वो भी विन करते हैं। अभी स्किल क्लैश पे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। देर किस बात की फ्रेंड्स, अभी जाओ स्किल क्लैश को पे खेलो और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करो और खूब सारे पैसे जीतो। इतना ही नहीं, कुछ स्पेशल टूर्नामेंट्स में आपको लैपटॉप, मोबाइल और ईयरफोन जैसे जीतने के भी ऑफर्स हैं। है ना कमाल की बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने पिन कमेंट में भी किया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके भी जा सकते हो। ये अब चलते हैं ब्लॉग की तरफ, दौड़ जाओ वरना नाम लिखा जाएगा। रोज सुबह सुबह डरते जाओ कॉलेज। ओके बाय सना, लव यू, लव यू टू। तू बोलती इमरजेंसी बिल्डिंग, हम निकलते हैं गाइस यहां से। तो गाइस आज का टेस्टी नाश्ता ये हमारी प्यारी सी निशा बना के लाई, एकदम मस्त, एकदम ऐसा लग रहा है मान लो मैकडोनल्ड्स का मैकपफ है और बर्गर है। कहाँ से इतना टेस्टी बना लेती है मैम साहब? गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, सब कुछ कर लेते हैं। गाइस रात का बासी ये मैकडोनल्ड्स का था, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। बासी नहीं है, आपको बोला गया था 4 लेने, सॉरी हम लोग नहीं खाएंगे, आपने 5 लिया। हाँ तो 2 हम रात को खा चुके थे, फिर भी तुम लोग मना करते करते खा ही गए। नहीं तभी हम लोग नाश्ता ये करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मनीषा को लेने, दिन भर हम सोच समझ ही नहीं आया क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ, जो नॉर्मली हम लोग काम खाना पीना खाते हैं वही चीज़, अब बार बार एक ही चीज़ कितना बार दिखा। सोचा मनीषा आएगी इसके बाद से कुछ अनबॉक्सिंग हो जाएगा तो फिर आपको और अच्छे से दिख जाएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब मैं भी बहुत दिन से गिफ्ट्स ओपन नहीं किया हूँ तो देखते हैं, अभी मनीषा को लेने जाते हैं पहले। तो गाइस मनीषा को लेकर के आ चुका हूँ मैं, और आते साथ ही अपने कपड़े ढूंढ रही है क्योंकि धोबी के पास से कुछ कपड़े मैं लेकर के आया हूँ, तो उसने क्या करा हुआ है कुछ कपड़े पता नहीं शायद दिए नहीं है या हमारे मिस हो गए हैं, तो ये अपना ना एक वो अपनी मम्मी इसकी दी थी वो वाला ड्रेस ढूंढे जा रही, तब से परेशान बेचारी। क्या हुआ, मिला? नहीं मिल नहीं रहा। मेरा टाई तो ऐसा लटका हुआ है अलमीरा में जैसे सांप है, दोनों क्यों उदास हो गई है? कोई बात नहीं है, नहीं इधर उधर हो जाता है ना, पता नहीं उसके साथ कितना सारा कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए ढूंढ रहा है। अगर वो नहीं मिलेगा तो बोल सकते हैं ना कि धोबी के पास है। पर हमारे घर में अगर कोई सबसे ज्यादा सोता है ना तो यही है बच्ची,
क्योंकि मनीषा तो उठ के चली जा रही है, मेरे को दिन में नींद आती नहीं है, वो पढ़ाने चले जाते हैं और ये मैडम साहिबा पूरा सोती है, एकदम भरपूर नींद आ रही है इसको। और देखिए एकदम चावल दाल, वो आलू का भुजिया खत्म, खा इतना कम खा रही और खाओ ना, नहीं नहीं चलो तुमको अब खाना ज्यादा, मजाक नहीं कीजिए, इतना ज्यादा ही खाना है तुमको, कम मजाक नहीं हो रहा, कम देख लो कम खा रही, देखिए तो वही कितना कम खा रही है। और आईपैड चला रही थी, तुम आईपैड वाले ले लिए थे, फोटो डिलीट किए मिला, फोटो डिलीट कर दिया सब उसी में है, रिकवर किए हैं नहीं किए, सही में उसमें है, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी, देखिए कितना कम खा रही है बताइए तो। अब मम्मी क्या बोलेंगी इसकी कि खाना ना नहीं खाती है, माने आपकी मम्मी वही खाते तो डांट को हम लोगों को पड़ेगा ना। हाँ भाई हम लोग सब कुछ तुम करके दे ये देते हो आप, फिर देखो ऑडियंस अलग कमेंट करता है कि खाली निशा दीदी ये, निशा दीदी वो, सचिन भैया को ध्यान रखना चाहिए, बताओ कैमरा गाइस सही बात है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा तो खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा ना, है मत करो, खाने दीजिएगा हमको, तुम्हारा फोटो हम डिलीट नहीं किए थे, आप डिलीट कर, हमको आज फिर से सॉरी बोलिए, कहिए नहीं बोला है इसलिए डिलीट कर दिया है मेरा, बोले नहीं है भाई साहब दोस्तों इन लोग का सॉरी चलता है, वो कहते हैं कि जबरदस्ती सॉरी बोल, वो कहती नहीं बोलेंगे, बोलती है नहीं, क्या नहीं बोलती है, क्या नहीं बोलती है, क्यों बोल रहे, मेरे गलती नहीं है तो, क्या क्या कौआ कौआ, हाँ ठीक है कौआ बोल, कौआ उछले और फिर से खेला जाएगा, आज मजा आएगा दोस्तों, इसको फिर से मारा जाएगा, एक बार मारे हैं तो थोड़ा सा अच्छा हुआ, खाओ खाओ तुम खाना, आप भी हंसते रहिए दांत चियर चियर के, ये आईपैड भाई मेरा लगता ही नहीं है, ये दिन भर गाना सुन रही है, मांगते तो नहीं देती है, कहती कि नहीं हमको काम रहेगा, कितना इम्पोर्टेंट, मेरा ही आईपैड मेरे को नहीं मिलता है, इतना इम्पोर्टेंट काम रहेगा तो ही, पासवर्ड हमको नहीं बता रही थी, हाँ पासवर्ड हमको करी कि हम नहीं बता के पासवर्ड चेंज करके आपको बता देते हैं, ठीक है भाई, फिर आप मत बताइएगा उसको, बहुत तेज बन रही है ये, अब मेरे पास रहेगा इस पे, हम कोई करी जानते हैं इसको चलाने के बाद फोन छूते है ना तो लगता है क्या भगवान। एनीवेज गाइस मस्ती मजाक चलते रहेगा, आप लोग बने रहिए, एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी मैं रूम में आया हूँ और रूम में आते साथ मनीषा का देखा तो मनीषा कह रही है कि सुना मेरा मूड बहुत ऑफ है, तो ऑफ क्यों है, रीजन बीइंग कि अपने आज कुछ एप्लीकेशन मतलब सबमिट करना था इसको, तो वो एप्लीकेशन देने गई हुई थी वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में, तो कह रही है कि प्रिंसिपल सर बोले पता नहीं क्या कमिन बोले, मैं जब मैं कमिन पूछी कमिन के अंदर बाद एंटर जब की तो उसके बाद से कह रहे कि मैंने बुलाया अंदर कि तुम आ गई, तो फिर इसको इसको बाहर बोल के बोले दोबारा पूछो, जब दोबारा पूछी तो कह रहे हैं कि उधर से आओ, यानी कि पीए वाले रूम से, मतलब फिर उसके बाद से ना जब उधर से गई तो मतलब उधर कोई था ही नहीं, था ही नहीं मतलब क्या हुआ था उधर गुस्सा, तो अब ये कह रही कि इतने सारे लोग अभी यहाँ पे बोले सुना, वो तो प्रिंसिपल हैं कैसे बोले हैं तरीका उनका, मतलब बच्चों के साथ ऐसे कोई थोड़ी बोलता है, जाहिर सी बात है मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब कोई आता है तो मैं उसको एकदम से ऐसे पहले फर्स्ट साइट में तो कोई भी मतलब डांट करके ऐसे, मतलब आई थिंक कि थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो मेरा क्योंकि ये दरवाजा से होता है ना वो कॉलेज को, वो खुद से बंद हो जाता है, तो अभी इतनी सी बात के लिए ये नाराज हो गई, मतलब थोड़ा अंदर से इसको चुभ रहा है कि मेरे को ऐसे क्यों बोला, तो कह रही है कि मेरे को सुनना पड़ा फालतू में कुछ भी किए नहीं था, तो अब आई थिंक कि प्रिंसिपल्स को थोड़े फ्रेंडली होने चाहिए बच्चों के साथ, कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, क्या वो कहना चाहता है, सामने वाला कुछ कहने गया था वो कह ही नहीं पाया, और भाई चलो हटाओ इन सब बातों को, उम्मीद करते बस थोड़ी जल्दी मुस्कुराहट आए। और हाँ गिफ्ट अनबॉक्सिंग की बात है गाइस, मैं पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, लेकिन आज पक्का 100% गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग बैठ करके, क्योंकि अब मनीषा को भी टाइम मिल गया, वीकेंड है, छुट्टी मतलब चलो अब तो छुट्टी है इसके लिए, तो बस वो वाला ब्लॉग भी बहुत जल्दी लाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ जाते जाते ये भी देखो क्या किया मैंने दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अपने दोस्तों के साथ लूडो खेला और साथ में मैंने पैसे भी जीत गया, तो आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, और साथ में याद रखना कि नोटिफिकेशंस को ऑन रखना है।